निवेदन, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और लीजिए शुरुआत ये कवित्त, और भैया धर्मवीर जी कवित्त में कह रहा है कवि कैसे। लीजिए भाई साहब अभी मंच से निवेदन कर गए, साखी दो लाइन की साखी आ रही है जिकड़ी की, और सुनिए गौर से, ऐसे समझ नहीं है जैसे शुद्ध ग्लूकोज चढ़ रो गर्मीन में है जी। हाँ मैं गवैया अंत कछूना कहूंगा, चिंता मत करो ना, खेत में बढ़ सुन जिकड़ी की साख ही है। फुटपंटी में तो सब कह रहे, मैं ओरिजिनलिटी में छाती ठोक के कह रहा हूं, यहां पे आ साख ही है, गाय के बकवा दियो ये कहूं, फेफड़े नहीं बिलाओ कह जाए तो मेरी गारंटी है। सुनो साहब, मिलने की भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर पे, अरे सर पे, सर पे फाटी सी पगड़िया हो, और शिविर ये 500 रुपए का पुरस्कार नत्था सिंह पहलवान जी सकतपुर निवासी दे रहे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा सर। अरे सर पे, सर पे फाटी सी पगड़िया, 51 रुपए का पुरस्कार हवालदार दारा सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
जीवन डगमगा है मेरा की झलकी। और झलकी क्या है? अवश्य मे भोगंतम कृतम कर्म सुवासत, जो जैसो करेगो बाको भोगवाए जरूर भोगनो पड़ेगो, मन में चाहे कोई कितनों चतुर बन ले। इसलिए कभी कह रहा है भैया जी, करेगो बेसो करेगो बेसो पावेगो। जी दे रही है बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रहा है कभी भैया कैसे, अरे करेगो बेसो पावेगो, अरे पावेगो। पावेगो 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 पावेगो। इक्यावन रुपए राजेंद्र सिंह चाचा जी अखबार निवासी दे रहे। और यह 200 रुपए का पुरस्कार हमारे सुभाष भाई वर्तमान प्रधान जी गहरा खुर्द से। करेगो बेसो पावेगो, सोलह 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पावे गोरे तेरा पल्ला तेरा पल्ला तेरा पल्ला ना है पकड़े बंदे कोई, अरे करे गो बेसो पावे गो क्या है। ये 500 रुपए का पुरस्कार भूरा भाई साहब दे रहे हैं, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और 1100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई सोनवीर सिंह प्रधान जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निवासी जेंगारा और ये राजवीर सिंह प्रधान जी और अचल सिंह जी निवासी बसैया 1000 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1000 रुपए का पुरस्कार नत्था पहलवान जी शाही सगतपुर निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान को केंद्रित कीजिए। और भैया धर्मवीर महाराज अंध ने महाभारत के युद्ध में संजय मंत्री को अपने पास में बुलाया और संजय मंत्री को पास में बुला करके कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ के आइए कि कल के महाभारत के युद्ध में कौन कौन से योद्धा कौन कौन से वीर कौन कौन से रथी कौन कौन से महारथियों का आमना सामना हो। जाकर के संजय मंत्री ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रणाम किया, लेकिन बीच में गांडीवधारी अर्जुन बोल पड़े और कहने लगे भैया। और ये 1100 रुपए का पुरस्कार हमारे मनोज चौधरी गहरा निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुनिए गांडीवधारी अर्जुन कह रहे संजय मंत्री से, क्या भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र भूप से जाकर कहना प्रणाम मेरा, लेकिन कुरपत से कह देना क्या वीर धनंजय नाम मेरा। जो अरमा है दिल के अंदर, जो अरमा है दिल के अंदर और वो अंदर ही रह जाएंगे, और जब पांडव शस्त्र उठाएंगे तो कौरव ना बचने पाएंगे। वो गांडीवधारी अर्जुन संजय मंत्री से कह रहा है, साखी आ गई अब जिगड़ी की मरेठी आ रही है, सुनो साहब मरेठी में क्या लिख रहा है कवि भैया।
जब सरापा रथ को छूटेगा कौरव नाम कौरव नाम निशान मिट रे जब कढ़ाप को छूटेगा भोग लियो संदेश हमारो दे देना बहुत दिना सुख भोग लियो संदेश हमारो दे देना कह रहे महाराज अब मोए तुम्हारे बेटान के प्राणन की रक्षा कर बेवारो कोई नजर ना ऐसा क्या हो गया। अब संजय मंत्री कह रहे श्वेत अश्व पारथ के रथ में दिव्य अस्त्र कर धारे और पवन पुत्र का भार बजा पया के सारथ मुरली पारे हैं लेके गदा समर में आवे लेके गदा समर में आवे और वो भीम सेन पलट आई। अरे बाबा अब रुकनी ना है लड़ाई होगी यहां हो रही है और कैसे होगी क्या जवाब दिया भैया क्या कह रहे संजय मंत्री। अरे भैया परे को मत देखे भाई देख जिकड़ी है रही है कना सूखी तसल्ली कर ले तेरे दिल में रण में चाहरा रथ के ऊपर चाय को वापस ले जाएं। निवेदन है भाई साहब कल्लू पहले चाय आई अब वो आई और कुछ हो बाबू ले आओ भाई साहब नंबर के बाद बांट लेना चाय। सुनिए अरे रण में चाहरा करे गगन से चले क्रोध की
के ऊपर और या के रथ के ऊपर सारथी होएगा मोहन मुरली बाला, रथ के ऊपर सारथी होएगा मोहन मुरली बाला। जगदीश पहलवान जी और 200 रुपए का पुरस्कार राकेश चार जी बसैया। और देखो ये वीर रस की बात, भीम का दाल हाथ साथ की और जब साथ समर में आवे तुम सवेरे तो सुनने होंगे जिकड़ी जिकड़ी नाई खिचड़ी। सुनिए भीम गदाले हाथ साथ की और साथ समर में आवे। चाचा लासन के लग जाए, लासन के लग जाए तेरे भैया पे सनाए खावे, लासन के लग जाए तेरे भैया पे सनाए खावे। जब संजय मंत्री यह बात कह रहे हैं ना भाई, सभा में दानवीर कर्ण बैठे हुए, दानवीर कर्ण कह रहा है महाराज अंध को डराने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब वीरन की कोई कमी नहीं। और जब नए नए छोरे अपने रास्ता से भटकते नजर आवे ना, बड़े बूढ़े इनको काम हुए बिन्ने समझाए देखो। जब दानवीर कर्ण ऊंचे स्वर में बोल रहा है भाई सभा में मेरे बाबा भीषम बैठे हुए ठाड़ा है गो बेटा करना बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो आप तो बादलाएं भूल गो कौन से दनाए पिता मैं भीष्म बता रहे और मैं तुमको बता रहा हूँ बारह मासी आ रही है। सुनियो गौर से क्या कह रहा है मास्टर जी। और ये क्लासिकल म्यूजिक के अंदर एक छोटा सा राग होता है जैसे कहते हैं राग बागेश्वरी, उसकी झलकी है और फिर बारहवासी है सुनना सा। भीष्म कही ललकार, सुनना दादाजी गौर से, धनंजय और धनंजय बाप कोई लड़वैया भीष्म कही समझाए गाड़ोई लड़बैया। अरे बेटा बाप राठ नगर के नाला, बाप राठ नगर के और बीच छुड़ा लई अर्जुन ने गई तुम हो
वास्ते रखी और याने गंद्रवतियो हराए छोड़ाए जब अर्जुन ने लिए ओ गंद्रवतियो हराए छोड़ाए जब एक सौ रुपए बनवारी जी दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद याने गंद्रवतियो हराए छोड़ाए जब पारथ ने लिए और सुने समर में कई बार हारो रे समर में कई बार हारो ये 500 रुपए का पुरस्कार भाई मुकेश जी इकराम नगर निवासी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद समर में कई बार हारो राजकुमार भैया दे रहे 51 रुपए घोड़ा निवासी समर में कई बार हारो और जो कोरे करे बखान बताए तेने कहां बादर भारो ओ कोरे करे बखान बताए तेने कहां बादर भारो संचालक जी गीत की कह रहे गीत पीछे हो गो बाबा जिकड़ी की मेन चीज है उड़ान बहन जी सुना रही थी अभी और हम सुना रहे सुनो अब टाइम कम पर रो मैं क्या करूं है जी सुनिए उड़ान सुनो पहले महाराज अंत ने ये सबरी बात सुनी और निवेदन है देखो झोली फैलाए के चाय भले ही पियो उड़ाने पूरी सुन लियो निरीक्षण परीक्षण अपने दिल में करियो ठीक है दादाजी मेरे भैया अंध कहे चार था और पुत्र मते और पुत्र मते महाभारत रो डटना पंडित पुत्र तो सुनिए ये उड़ान चल रही है और इसमें ठुमरी कह रहा हूं और पानी में लहरा ले रही बेल सिंगाड़े की नहीं सुनिए ठुमरी हा की ओरी नते काली के थन पे कियो पियोरी नते काली के थन पे कैसे क्या गेंद गई जब नाम पहुंचा कारे ने मारी फुसका तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छह पांच चार तीन दो एक सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा सारे रे गा गा मा गेंद
जमुना में पहुंचा। सुनो, गेंद गई जमुना में पहुंचो, गेंद गई जमुना में पहुंचो, गेंद गई जमुना में पहुंचो, कार्य ने मारी फुसकार के ऐसी मारी फुम फुम फुम, ऐसी मारी फुम फुम फुम, ऐसी मारी फुम 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 फुम, ना 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 ना, काली के फन पे कियो कियो री नते, काली के फन पे कियो। अरे प्रतिज्ञा अपनी कुतोरो, और कोई पांच गाम दे दियो, कोई पांच गाम दे दियो, मूड मत पत्थर दे। और देखो ये 500 रुपया दे रहे हैं हमारे भाई, भैया सतीश जी के छोटे भाई। देखो वो एक है जी, छोटी सी बात याद आ गई है, मुझे तुम कहें तो कह दो। ऐसा भयो कोई आदमी प्रधानी के चुनाव पे ठाड़ो भयो, तो वो पहुंच गयो का बूढ़े बड़े आदमी के यहां गांव में, बान कही ले बाबा ये 5000 रुपया ले ले, वोट मोई को दे दो। बाबा बहुत दिमागदार हो, कोई बूढ़ो बड़ो हो, बाने कही जाला ऐसो करे तू वोट वोट तो मैं दे दूंगा ना, 5000 रुपया ने तू ही ले जा, ऐसो करियो कि तू तो तू एक गधा को बच्चा मिल जाए तो मैं एक गधा खरीद लेगी। अब वोटन को मामलो स्वार्थ को मामलो तू जानते ही, 5000 रुपया तो जेब में धर लिए, प्रधान जी डोलेगा मन में पैठन में 5000 में का आयरो गधा को बच्चा लौट के आया। बाबा तो बोलो ले बाबा 5000 की जगह पर 10000 रुपया ले ले, मुंह पे तेरे गधा की कोई सलना है। बान कही बेटा जब 10000 रुपया में गधा ना आ रो तो मेरे बोट की 10000 रुपया कीमत ना है। तो सोच के समझ के प्यार से जो आदमी अच्छा होए सच्चा होए तुम्हारो अपना होए ऐसे कोई ध्यान रखियो। बेचारो 15 साल की सेवा कर रहा है हमारो सतीश भैया है जी। अब सुनिए गीत कह रहा हूं, पहले गीत की धुन सुनो और फिर गीत सुनियो, और जब गीत खुद कहे कि मैं गीत हूं तो ही वो गीत है। एक फिल्म आई प्रधान जी, फिल्म का नाम था जंगल लव, और उसमें एक प्यारी सी धुन आई। देखो पहले धुन सुनो, कोई अंडिया गाती है, पाय अंडिया चलकाती सर्द हवा जब आती है, सुई चुभो कर जाती है, नदिया के पानी ने छुआ कैसे बताऊं क्या हुआ।
पर यही दुहाई दे रहा है कि मेरो भारत आजाद है गो। आपका ये लाडला सीना ठोक के कहता है, पहले तो भारतवर्ष केवल अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों ने जकड़ा था, आज मेरा देश सांप्रदायिकता, धर्मांधता, राजनैतिकता, कन्या भ्रूण हत्या, महिला अत्याचार, बाल विवाह, जातिवाद, भाई की भाई के प्रति ईर्ष्या, और चाचा जब अपने ही अपने इनको गलों काट रहे हैं तो देश क्या खाका आजाद हो गया। सुनिए गीत क्या कह रहा है भैया जी, और 500 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई सोनवीर सिंह और सोनू प्रधान जी जेंगारा निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए साफ गीत। ये कैसी आतंकवादी, और कचूरियों के क्या आतंकवादी तो वे पाकिस्तान वाले, असल में आतंकवादी तो हम और आप जैसे वो गद्दार हैं जो उन लोगों तक ये खबर पहुंचा रहे कि पुलवामा में सैनिकों की टुकड़ी आ रही है, खत्म कर दो। सुनिए गीत क्या कह रहा है। ये कैसी है आजादी, यहां घूम रहे नक्सलवादी, तो कट गए शीश जवानों के, हिल गए दिल इंसानों के। बस बच्चे हिंदुस्तानी है तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा, पैसे की बात नहीं, सुनना। कट गए शीश जवानों के, हिल गए दिल इंसानों के, ओढ़ के तिरंगा, ओढ़ के तिरंगा सो गए, ओढ़ के तिरंगा सो गए, बेटे शहीद हो गए। बड़े भाई पंडित रोहतास साउंड सर्विस जलूथर वालों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। सुनिए, घर घर में मातम, घर घर में मातम, और 1100 रुपए का पुरस्कार आपकी पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार भाई सतीश चंद्र जी ने दिया है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत दिया जी। और ये 1100 रुपए का पुरस्कार भाई मनोज चौधरी जी दे रहे युवा टीम की तरफ से, और 101 रुपए हमारे किसी सज्जन ने दिए। सुनिए, घर घर में मातम बादल, गम के छा गए, रोग की बोली, रोग की बोली, रोग की बोली, बेटी मम्मी पापा जी आ गए। कौन सी बेटी बोली, मेरे जिला भरतपुर तहसील नगर गांव सुंदरावली 26 वर्ष को एक ही बेटा भाई जीतराम गुर्जर पुलवामा में शहीद है के तिरंगा में लिपटे भयो, मेरी मैया जब अपने काम में बाको सब आयो, 3 वर्ष की बेटी है बाको नाम है सुमन, अपने पापा के मुख दर्शन करते हुए तुतला तुतला
सुना के भगवती रो गई। अरे घर घर में मातम बादल गम के छा गए, रोक बोली बेटी मम्मी पापा जी आ गए। आतवे पापा क्यों नहीं बोल रहे, आंखें क्यों नहीं खोल रहे, पापा क्यों नहीं बोल रहे, आंखें क्यों नहीं खोल रहे, तो पत्थरों के दिल भी रो गए। बसवा कांग्रेस बीजेपी से मोय कोई लेना देना ना है, लेकिन जो यथार्थ सत्य बा जरूर कहूंगा दादा। और यथार्थ सत्य क्या है, शासन प्रशासन वालो हमको जवाब दो, और कब तक बहेगा खून, कब तक बहेगा खून, इसका हिसाब दो। तुमने कभी यो नहीं सुनी होगी, बॉर्डर पे काऊ एमएलए को बेटा शहीद है गो, के काऊ नेता को बेटा शहीद है गो। जब जब शहादत की बारी आती है, आपके बेटे हमारे भाई मातृभूमि की गोदी में सो जाते। इसलिए कहता हूं चार लाइन है और दिल तक पहुंचे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा, सुनना। जब दर्द दिल कोई दिल में उठे, क्या जब दर्द दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी, और जिस बाप का बेटा बाप का बेटा मैया, बछड़े की ऐसी हालत है। आशीर्वाद तालियों का चाहूंगा, सुनना। अरे बछड़े की ऐसी हालत है, गैया की हालत क्या होगी, गैया की ऐसी हालत है, मैया की हालत क्या होगी, मैया की हालत क्या होगी। धन्यवाद की मैया को 75 वर्ष की बूढ़ी गोपी गुजरी बा को नाम है, जब बा ने सुनी ना के बा को बेटा जीतराम शहीद है गए, अपने सीने को फुलाकर गर्व से मस्तक को ऊंचा करके कोचला भरतपुर की पवर शेरनी गोपी गुजरी कह रही है, बा बेटा जीतराम तेने मेरी कोख सफल कर दी। बा बेटा
कूती है ऐसी मैया बेकार है कैसी वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है। और फिर से बात आ रही है गड़गड़ाहट चाऊंगा तालियों की वो 101 रुपए हमारे मनोज चौधरी दे रहे और 500 रुपए हमारे भाई सतीश चंद्र जी ने दिए थे। क्या वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है वो पूत पूत क्या है जिसने मैया का दूध लगाया फिर भी मैया रोई ना आपा अपना खोई ना तो क्षेत्रवासी 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 सारे रो गए। क्या आंसुओं से मुखड़ा धो गए पत्थरों के दिन भी रो गए। ओढ़ के तिरंगा सा